मैं हूं निगत असलम और आप देख रहे हैं मेरे साथ पाकिस्तानी कल्चर एंड हेरिटेज। बुनियादी तौर पर ये चैनल कदीम तारीख, तहसीब और सकाफत के मुतालिक है। इसमें कदीम तहसीबों के मुतालिक लेक्चर अपलोड किए जाते हैं। इससे पहले मौर्यन दौर के बारे में 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जो कि उनके तारुफ और सोर्सेज पर मुश्तमिल हैं। इस सिलसिले का आखिरी लेक्चर जो कि मौर्यन दौर के सोर्सेज के बारे में होगा और आज जिन सोर्सेज पर बात होगी वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। इसमें चंद्रगुप्त, अशोक और दीगर बादशाहों के कतबे, उनकी इमारत और सिक्कों को जेरे बहस लाया जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्यन दौर सोर्सेज के हवाले से बहुत ही रिच पीरियड है। इसमें हमें बेशुमार तरह के सोर्सेज मिलते हैं, मजहबी भी, तारीखी भी और उसके साथ साथ असरी भी। अगर हम असरी या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो ये किसी भी दौर को समझने का एक बेहतरीन जरिया होते हैं और जहां पर हमें दीगर सोर्सेस नहीं मिलते या खामोश होते हैं तो वहां ये बहुत ही मददगार साबित होते हैं। इस हवाले से मौर्यन पीरियड बहुत ही खुशकिस्मत दौर शुमार किया जाता है। बेशुमार कतबात, सिक्के और इमारतें इस दौर के बेहतरीन असरी माखजों में से एक हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो चीज दरियाफ्त हुई वो कतबे थे जो कि चंद्रगुप्त से लेकर दशरथ तक सबके मौजूद रहे और इसमें अशोक के कतबे तो बहुत ही ज्यादा थे और उनका तारीख में एक खास मुकाम भी है। अगर हम कतबात की बात करें तो कदीम कतबात जो भी मुख्तलिफ मकाम से बरामद हुए हैं उनमें लोहे, पीतल और पत्थर पर मुश्तमिल हैं और ये बड़ी तादाद में पूरे पाको हिंद में फैले हुए हैं। ये तारीख का बहुत ही कीमती सरमाया है और तारीख की तरतीब में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत से कतबे दरियाफ्त हो चुके हैं, अभी इम्कान है कि कुछ और भी दरियाफ्तें इस सिलसिले में मुमकिन हो सके। ये कतबात चट्टानों, पत्थर के स्तूनों, धातु की तख्तियों और गारों की दीवारों पर कुंदा मिले हैं। कतबात में ज्यादातर वो हैं जिनका ताल्लुक अशोक के जमाने से है, मगर चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने के भी कुछ कतबात मौजूद हैं। अशोक के कतबे खरोश्ती और ब्राह्मी रस्मुलखत में हैं और कुछ इन जुबानों की नुमाइंदगी करते हैं जो कि उस जमाने में राइज थी। अशोक के कतबों की अक्सरियत ब्राह्मी रस्म खत में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के कतबों का तारीख में एक बहुत ही खास मकाम है। मौर्य अहद को समझने में उन्होंने सबसे बड़े माखज का काम दिया है। इन कतबों के मौजूआत में बहुत ही ज्यादा तनाव है और ये एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ हैं। अशोक के कतबों का मौजू सियासी, माशरती और मजहबी है। तारीख का दुरुस्त तयन करने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अशोक से पहले चंद्रगुप्त के कतबों के बारे में जानते हैं। गोरखपुर के बोगरा जिला में महस्तान के मकाम पर तांबे का एक कतबा प्राकृत तहरीर में कुंदा मिला है। ये मौर्यन दौर के इब्तदाई जमाने यानी चंद्रगुप्त के जमाने से मुतालिक है। ये कतबा कहत
के जमाने से ताल्लुक रखता है। जैन सरा से हमें ये मालूम होता है कि चंद्रगुप्त के दौर में बहुत बड़ा कहत पड़ा था, गोया इस कत्पे से जैन मत के बयान करदा हकायक की तस्दीक हो जाती है। जूनागढ़ से मौर्यन दौर का एक और कत्पा मिला है और ये कत्पा एक डैम की तामीर के बारे में बताता है। इसमें चंद्रगुप्त की आपाशी की स्कीमों को जेरे बहस लाया गया है और उसके साथ साथ खुशिया गुप्त के गवर्नर मुकर्रर किए जाने की तरफ भी इशारा किया गया है। दो कत्बे किवारी दरिया के शुमाली किनारे से श्रृंगापटम के करीब से मिले हैं जो 9वीं सदी ईस्वी के हैं और पहाड़ी के बारे में बयान करते हैं। चंद्रागिरा की पहाड़ियों में चंद्रगुप्त और भद्राबा के पांव के निशानात हैं जहां चंद्रगुप्त ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजारे थे। इन कत्बों में भद्राबा और चंद्रगुप्त के नाम का जिक्र एक साथ हुआ है और इनका ताल्लुक चंद और मकामी कत्बों में भी दोहराया गया है। इन कत्बों में चंद्रगुप्त का जिक्र एक जैन दरवेश के तौर पर किया गया है और भद्राबा भी मशहूर जैन भिक्षु था। चंद्रगुप्त के कत्बे तादाद में बहुत ही कम हैं, लेकिन जो भी मौजूद हैं उनकी मदद से जो तारीखी रवायतें हैं उनको बड़े बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है। अब हम उन कत्बों की बात करते हैं जो तारीख में एक बहुत ही खास मकाम रखते हैं और एक मुनफरिद मकाम भी उनका हिंदुस्तान की तारीख में है और ये अशोक के कत्बे हैं। अशोक के अहद में मजहबी अदब के अलावा जो चीज सबसे ज्यादा मिली वो उसके कत्बे हैं जो चट्टानों और सतूनों पर कुंदा हैं और बरसगीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ इलाकों में हमें मिलते हैं। इनको अशोक के दौर में तामीर किया गया था और यही मौर्या दौर को समझने का सबसे बड़ा जरिया है। इनकी मदद से मौर्या दौर के सियासी, मुआशी, मजहबी और मुआशरती हालात को समझने में बड़ी मदद मिलती है। इसके साथ साथ बुद्ध मत की अशात और उसके फरोग के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा मालूमात मिलती हैं। मौर्या सल्तनत की हदूद की वसत भी इन कत्बों की मदद से समझी जा सकती है। ये कत्बे दो तरह के हैं, संगी स्तून और ये संगी और सतूनी कत्बे कहलाते हैं। संगी कत्बे दो तरह के हैं, बड़े संगी कत्बे और छोटे संगी कत्बे। बड़े संगी कत्बे 14 बड़ी चट्टानों कालसी, शहबाजगढ़ी, मानसेरा, गिरिनार, सुपारा, यारा गोदी, धोली और जोगादा में पाए जाते हैं। इसके अलावा छोटे चट्टानी कत्बे हैं जो बिरात, रूपानाथ, सहराम, ब्रह्मागरी, कोमात, जितंगा, रमेश्वर, मास्किया, पालकी गोंडा, रजोला, मंदागरी, सादकपुर, यारागोद, गुजारा और झांसी में पाए जाते हैं। 7 सतूनी कत्बे अलाहाबाद, दिल्ली, टोपारा, देहली, मीरठ, लोरिया, अराज, लोरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा में पाए जाते हैं। दूसरे कत्बे बारबारा की गारों में पाए गए हैं। 3 कत्बे निगलवी सागर, अलाहाबाद, सांची, सारनाथ, बिरात और कंधार में पाए गए हैं। इन कत्बों की अहमियत उस वक्त तक नहीं थी जब तक मास्की का कत्बा दरियाफ्त नहीं हुआ था। मास्की का कत्बा 1915 में दरियाफ्त हुआ। इसकी इब्तदाई अशात प्रिंसप के जरिए हुई। सबसे पहले प्रिंसप ने इसको साइलोन के बादशाह के जरिए शनाख्त किया था जिसका हवाला बुद्धिज्म के अदब में मिलता है, लेकिन ये शनाख्त बड़ी कमजोर थी और ये सवाल पैदा होता था कि साइलोन का बादशाह कैसे हिंदुस्तान में अपने कत्बे जारी कर सकता है। महाविमसा ने ये लकब अशोक को दिया था, तब एक भिक्षु के जरिए
सैलून में बुद्ध मत का मुतालिया करते हुए प्रिंसिपल ये बात वाजिया हुई कि इन कतबों का मुसन्निफ अशोक है। इस शिनाख्त के साथ ही यह वाजिया हो गया कि कतबों का पिया दासी बादशाह दरअसल हिंदुस्तान का असीम बादशाह अशोक है। अशोक को इन कतबों में पिया दासी के नाम से मुखातब किया गया है। ये कतबे नुमाया जगहों पर लगाए गए थे जो कि शहरों और तजारती रास्तों के करीब थे। इन मजहबी मकामात पर जिनकी मजहबी अहमियत ज्यादा थी वहां भी ये कतबे लगाए गए। इनका मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे इस्तफादा कर सके। संगी कतबे आमतौर पर एक बड़ी चट्टान के सामने वाले हिस्से पर लिखे जाते थे। स्तूनी कतबे कुछ वाकयात की याद में लगाए गए थे। बदकिस्मती से कुछ स्तून अपनी जगह से उखाड़ दिए गए। फिरोजशाह तुगलक ने अपने अहद में ये काम किया था। बेरात कतबा अब कलकत्ता म्यूजियम में मौजूद है। हेमंत सांग ने हिंदुस्तान में सफर किया और उसने इस तरह के कई स्तूनों का जिक्र किया है जो राजगढ़, सरस्वती और दूसरी जगहों पर मौजूद थे। मुमकिन है और भी कई स्तून हों जो दरियाफ्त नहीं हो सके। पायान एक और चीनी जायर ने भी इन स्तूनों में शेरों के सिरे वाला और पाटलिपुत्रा में मौजूद स्तूनों का जिक्र किया है जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सके। इन तमाम कतबों की जुबान सिवाय दो के ब्राह्मी थी। शिवाजगढ़ी और मानसेरा के कतबों की जुबान खरोश्ती थी। कतबे का एक छोटा टुकड़ा लमगान में भी पाया गया है जो कि अरामिक जुबान में है। अरामिक में ही एक कतबे का टुकड़ा टेक्सला में सिरकप से भी मिला है जो उस जमाने से ताल्लुक रखता है जब अशोक टेक्सला में बगावत फरो करने के लिए गवर्नर बनकर आया था। अशोक के कतबे पंदो निसा से भरपूर हैं और इन कतबों के मौजूआत मुख्तलिफ हैं और इन तमाम कतबों में धम के असूल और उसकी तबलीग पर जोर दिया गया है। अशोक को हिंदुस्तान के बादशाहों में एक खास मुकाम जहां बुद्ध मत की फरोग की वजह से मिला वहीं इन कतबों की वजह से भी मिला। अशोक से पहले और उसके बाद किसी बादशाह ने इतनी बड़ी तादाद में कतबे जो है मुकुंदा नहीं किए। अशोक के बाद उसके पोते उसके जानशीन बने और कुछ कतबे अशोक के पोते दशरथ के अहद से मुतालिक हैं। नागार्जुनी पहाड़ी ग्या के करीब एक कतबा मिला है जिससे ये पता चलता है कि दशरथ ने अजयोग फिरके को अपने दादा की तरह गारों का तोहफा दिया था। ये गारें पराबार की पहाड़ी गारों के करीब हैं। दशरथ देवनामपिया के तीन कतबे दरियाफ्त हुए हैं। ऐसा दिखाई देता है कि उन्हें अशोक के फौरन बाद कुंदा किया गया क्योंकि उनकी जुबान और लबो लहजा बिल्कुल अशोक के कतबों जैसा है। इन कतबों के अलावा मौर्यन दौर के सिक्के भी एक बहुत बड़ा उस दौर को समझने का सोर्स हैं। मौर्यन अहद के बारे में जो बाकी मांदा मवाद है वो सिक्कों और दूसरे आसारे कदीमा पर मुश्तमिल है। सिक्के भी इस दौर का बहुत बड़ा माखज हैं। जिन बादशाहों के सिक्के दस्तयाब हो जाते हैं उनकी मदद से इनके दौर को समझना आसान हो जाता है और हदूद सल्तनत का तायुन करना भी मुमकिन हो जाता है। जिन मकामात से सिक्के मिलते हैं उनके बारे में ये राय कायम करना आसान होता है कि ये इलाका मुतलका सल्तनत का हिस्सा होगा। मौर्यहद के सिक्के पांच मार्क सिक्के कहलाते हैं जो पूरे मौर्यन दौर से ताल्लुक रखते हैं। मौर्यन दौर को समझने में इन सिक्कों ने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। सिक्के ना सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा करते हैं बल्कि इन मालूमात की ताईद भी करते हैं जो हम अदबी जरा से हासिल करते हैं। कुछ सिक्कों पर तारीख मौजूद है और कुछ पर नहीं है। अगर तारीख मिल जाए तो फिर इस सेहत को जानना और उसके जमाने का तायुन करना बहुत ही आसान हो जाता है। सिक्के सोने चांदी या भर्त से बने हुए होते थे लेकिन मौर्या दौर के सिक्के ज्यादातर सिल्वर में हैं। गो के इन सिक्कों की तादाद बहुत कम है लेकिन कम तादाद के बावजूद भी ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं।
सिक्कों के अलावा हम कुछ इमारतों की मदद से भी मौर्या दौर को समझते हैं। और जो मौर्या अहद से मुतल्लिक इमारतें अब तक दरियाफ्त हुई हैं वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। अशोक के अहद के बहुत से स्टूपास, चतियास, खानकाहें न सिर्फ इस दौर की मजहबी जिंदगी बल्कि फनी कारनामों का भी सबूत पेश करती हैं। चंद्रगुप्त का महल इस अहद को समझने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इमारतों के अज्जाए तरकीबी पर गौर फिक्र करने से बड़े अहम नतायज बरामद होते हैं। इन अजीम व शान तारीखी इमारतों के खंडरात इस दौर के तमदनी हालात को समझने का अहम जरिया हैं और इमारतें भी मकसदों का दर्जा रखती हैं। इन इमारतों की मदद से इस दौर के फन तामीर को भी जाना जा सकता है, जिससे इस दौर के हुक्मरानों की अजमत और उनकी तरक्की के बारे में भी खास मालूमात मिलती हैं। तारीख और सन के तसलसल के लिए इमारतें बड़ी अहम शहादत फराहम करती हैं। अजयोग फिरके को अतियात की गई गारों के मकानात मौर्या दौर का बहुत बड़ा तामीरी कारनामा है, जो फन तामीर की खूबियां बयान करने के साथ साथ मौर्यन बादशाहों की रवादारी की भी बहुत ही उम्दा मिसाल है। इमारतों के अलावा कुछ खास किस्म के बर्तन भी मिले थे, जिन्हें ग्रे वेयर पॉटरी कहा जाता है। आम तौर पर इसे हम काली पॉलिश वाले बर्तन भी कहते हैं। ये बरसगीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ इलाकों से बर्तन जो दरियाफ्त हुए हैं उन पर एक खास रंग में यानी काले रंग में पॉलिश की गई है और इस पॉलिश के लिए एक मखसूस इस्तला नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की इस्तेमाल की जाती है। बर्तनों के ये टुकड़े कई मकामात से मिले हैं। इनमें टेक्सला, ओडीग्राम यानी सवाद, चारसद्दा, हस्तनापुर, कुसंबी, अमरावती, बंगाल वगैरह शामिल हैं। व्हीलर ने इनको मौर्यन दौर के साथ वाबस्ता किया था। उनके मुताबिक बर्तनों के ये टुकड़े साबित करते हैं कि मौर्यन सल्तनत तमाम इलाकों पर फैली हुई थी। मौर्यन सल्तनत की वसत का अंदाजा इन आसारे कदीमा की दरियाफ्त से भी लगाया जाता है। काली पॉलिश वाले बर्तन मौर्यन अहद की खास निशानी है, जो पूरी मौर्यन सल्तनत में फैले हुए हैं। मौर्या दौर के बहुत से जरा ऐसे भी थे जो वक्त के हाथों जाया हो चुके हैं, लेकिन जो मौजूद हैं इन तमाम मार्क्सों की मदद से मौर्या दौर के तमाम पहलुओं को समझना बहुत आसान हो जाता है और एक बहुत ही वाज़ह तस्वीर उभर कर हमारे सामने आती है और हमें किसी किस्म का कोई उभाम बाकी नहीं रहता। हम चंद्रगुप्त की जदोजहद और एक बरसगीर में कायम होने वाली पहली अजीम सल्तनत के बारे में इन्हीं माखज़ों की मदद से जानते हैं। यही माखज़ हमें बताते हैं कि अशोक ने किस तरह से अपने दादा बाप दादा की अजीम व शान सल्तनत को वसी करने की कालिंगा की जंग के जरिए कोशिश की और फिर जंग के खौफनाक नतायज ने किस तरह से उसको बदला और फिर उसने धम की पॉलिसी को अपने कतबों के जरिए पूरी सल्तनत में फरोग दिया और हर मजहब की न सिर्फ बुद्ध मत की सरपरस्ती की बल्कि दीगर मजाहब की भी सरपरस्ती की और अजयोग फिरके को भी गारें बनवा कर दी। तो यूं उम्मीद है कि इन तीनों वीडियोस की मदद से आप पूरे मौर्या दौर को समझने में कामयाब होंगे और ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी। इस के जरिए मैंने कोशिश की है कि तमाम जरा जो कि मौर्यन दौर से मुतालिक हैं उनको एक जगह जमा किया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए। अगर आपको इससे
कोई भी फायदा मिले या आप समझें कि आपके लिए ये कारामद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।